स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं सुबह सुबह के मुख्य समाचार इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत। आज हमारे भारत की सरकार ने हमारे पूरे भारत में बहुत ही बड़ी बड़ी खबरों को जारी किए हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आज 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार के दिन की सभी यहाँ पर बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को भूल कर भी बीच में बंद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एकदम बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाने चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि 1 सितंबर से देश में फिर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जल्द जारी होगी गाइडलाइन, जाने सरकार की प्लानिंग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पूरे भारत में आपके जितने भी स्कूल कॉलेज है उन सभी को खोलने के लिए फैसला कर लिया है। तो आखिरकार इसको लेकर के हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी जानकारी दी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि पिछले 5 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है जब से देश भर में आपके स्कूल कॉलेज हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसकी वजह से और लॉकडाउन के कारण आपके सभी विद्यालय और आपके सभी स्कूल कॉलेज बंद है। और दोस्तों अभी देश में कहीं 2020 और 2021 सेशन शुरू नहीं हो सके है, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को काफी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और देश भर में आपके कब से स्कूल कॉलेज से चलेंगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे सरकार ने फिर से आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बहुत ही यहाँ पर बड़ी गाइडलाइन जारी करने वाली है। और फाइनली दोस्तों वो आपको बता दें कि आने वाले 1 सितंबर से यानी दोस्तों 1 सितंबर 2020 से हमारी केंद्र सरकार ने यानी दोस्तों मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे भारत में जितने भी आपके स्कूल कॉलेज बंद है उन सभी को खोलने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट की माने तो आने वाले हमारे 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस है जिसे हम टीचर डे कहते हैं, उस दिन भी आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो फिलहाल अभी यह कंफर्म नहीं हो सका है कि आखिरकार आपके स्कूल कॉलेज 1 सितंबर को खुलेंगे कि आने वाले हमारे 5 सितंबर को खुलेंगे। अगर दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कोई भी यहाँ पर नई गाइडलाइन आ जाएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर जरूर आपको जाहिर कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की, यूपी में मौसम विभाग ने दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके मौसम को लेकर बहुत ही बड़ी चेतावनी को जारी की है। अगर दोस्तों आप यूपी राज्य से आते हैं ना तो आपके यूपी राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो चलिए आज मौसम की पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम मेहरबान है, पूरी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सभी जगह बारिश हो रही है। और दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके शुक्रवार और आपके शनिवार इन दोनों दिन आपकी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप यूपी राज्य से आते हैं तो आपको अगले 24 घंटों तक बिल्कुल भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और दोस्तों इस हमारे मौसम को लेकर हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर दोस्तों आप भी यूपी राज्य से आते हैं, यूपी के सभी जिलों से आते हैं तो आपको अगले 24 घंटों तक बिल्कुल भी अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना दोस्तों आगे आप इसकी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। और हमारे मौसम को लेकर हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको पहले से यह जानकारी दे दी है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 जानिए सरकारी भवनों आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नए नियम। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत सरकार ने हमारे आने वाले 15 अगस्त 2020 को यानी दोस्तों ठीक है आपके कल के दिन से आपके जितने भी यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपलक्ष में आपके 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाएगा वो आपके बहुत यहाँ पर सख्त नए नियम के हिसाब से आपका 15 अगस्त मनाया जाएगा। तो चलिए इसके झंडे फहराने के नए नियम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसके कहर के बीच इस बार ऐसे मनाया जाएगा आपका 15 अगस्त, यानी दोस्तों हमारे लाल किले पर जो यहाँ पर आपके 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है वो आपके कुछ इस तरह आपका 15 अगस्त 2020 का त्योहार मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि इस बार थल सेना, वायु सेना और यहाँ पर नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे जिसमें करीब 22 जवान और यहाँ पर अफसर होंगे। और वहीं दोस्तों आपके राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और यहाँ पर अफसर होंगे, साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी इसमें शामिल होंगे। और हमारे भारत में जो महामारी चल रही है उसकी वजह से ये 4 जवान लाइनों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे। यानी दोस्तों हमारे इस साल जो यहाँ पर 15 अगस्त 2020 पर हमारे दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा वो बहुत ही आपके सख्त नए नियम के हिसाब से आपका झंडा रोहण होगा। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे वाईफाई ज्ञान चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने आपको उसमें सारी जानकारी बता दिया हूँ। और फाइनली आप इतना जरूर जान लीजिए कि हमारी केंद्र सरकार ने आपके 15 अगस्त 2020 पर बहुत यहाँ पर सख्त नए नियम के हिसाब से आपके 15 अगस्त 2020 का त्योहार मनाने का ऐलान जारी
किया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की। मिजोरम में अब राशन की तरह तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल डीजल, जाने कार को कितना मिलेगा तेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे मिजोरम की सरकार ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी मिजोरम राज्य से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे मिजोरम राज्य में आपके पेट्रोल और डीजल का यहाँ पर तय लिमिट तय कर दी गई है। तो आखिरकार इसको लेकर के हमारे मिजोरम की सरकार ने कौन सी जानकारी दी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे भारत देश में जो महामारी चल रही है उसके बीच अब पेट्रोल और डीजल भी तय लिमिट के हिसाब से मिलेगा। और दोस्तों हमारे कोरोना की वजह से हमारे मिजोरम राज्य में आपके तेल के ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते हमारे मिजोरम राज्य में आपके पेट्रोल और डीजल की काफी यहाँ पर किल्लत हो चुकी है। तो इन सभी को देखते हुए हमारे मिजोरम की सरकार ने आपके पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर तय लिमिट तय कर दी गई है। अगर दोस्तों आप भी मिजोरम राज्य से आते हैं तो ऐसे में आप जानिए कि अगर आपके घर में स्कूटी है तो अब से आपको केवल यहाँ पर एक दिन में आपको 3 लीटर ही तेल मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी यहाँ पर बाइक है तो वो आपको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 लीटर ही तेल आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में कार या कोई भी यहाँ पर 4 व्हीलर वाहन है तो वो आपको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 लीटर ही तेल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हमारे मिजोरम की सरकार ने पूरे आपके मिजोरम राज्य में नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप भी मिजोरम राज्य से आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे मिजोरम की सरकार ने आपके पूरे मिजोरम राज्य में आपके पेट्रोल और डीजल की तय लिमिट तय कर दी है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। इस वजह से 18 करोड़ लोगों का पैन कार्ड हो सकता है बेकार, तुरंत करना होगा ये काम। जी हाँ दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपको जल्द से जल्द करना होगा ये काम, वरना दोस्तों आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक हमारे देश के करीब 18 करोड़ का पैन आधार से लिंक नहीं है। अगर दोस्तों आप भी इनमें से एक हैं तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्दी से जल्दी लिंक करवा लीजिए, वरना दोस्तों आपका पैन कार्ड तो बेकार होगा ही, साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए का पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो आगे चलकर के आपको बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आपका कोई भी यहाँ पर सरकारी या गवर्नमेंट आपका काम नहीं होगा, और इसके साथ ही आपका दोबारा से भी आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, ऐसा कुछ हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आ चुकी है। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराना था, जो कि आज हमारे केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार के दिन को यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें जारी की थी, जो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूँ। अगर दोस्तों आपके मन में इस खबरों से रिगार्डिंग कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक लिए जय हिंद सी उन द नेक्स्ट वीडियो।